एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। सो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, ली चार्टलियर एपरेटस टेस्ट। तो ये एक टेस्ट है, और भी टेस्ट है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो मैं आपको पहले बता दूं कि जो कोड बुक आप फॉलो करोगे ना टेस्टिंग के लिए, इट इज 4031 पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए जरा समझते हैं कि साउंड या अनसाउंड सीमेंट क्या होता है, साउंडनेस क्या है, किस तरह का प्रॉपर्टी है। मान लो कोई सीमेंट है, सीमेंट को यूज करके आपने कॉन्क्रीट बनाया, और कॉन्क्रीट को जब बनाया फिर आपने यूज करोगे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में। फिर मान लो कॉन्क्रीट का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम वो एक्सपैंड कर रहा है कॉन्क्रीट किसी कारणवश। ठीक है, तो अगर एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम चेंजेस के कारण तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो अगर क्रैक डेवलपमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे वो सीमेंट जो थी वो अनसाउंड सीमेंट थी। ठीक है, अगर क्रैक वगैरह डेवलप नहीं हो रहा है तो हम उसे कहेंगे साउंड सीमेंट। और ये बेसिकली क्यों होती है, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। अब ये वॉल्यूम चेंज क्यों होगा, देखो सीमेंट का कंपोजिशन पे अब बात करते हैं। सीमेंट के कंपोजिशन में देखिए, हमने देखा था लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है, सल्फर भी होता है। तो लाइम या फिर मैग्नीशिया वगैरह जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये हाइड्रेट बनाता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हाइड्रेट बनाते हैं। तो इनका जो वॉल्यूम है इन कंपैरिजन टू लाइम एंड फ्री लाइम, फ्री लाइम कहने का मतलब है CaO, इस फॉर्म में अगर लाइम है तो इसको फ्री लाइम कहेंगे। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फ्री मैग्नीशिया। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मान लो पानी के साथ अगेन रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH2। ठीक है, MgOH2, ये सब बनाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बनाएंगे। तो अब ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ना, हाइड्रेट, ओके, हाइड्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और हाइड्रेट्स ऑफ लाइम एंड मैग्नीशियम, इनका जो वॉल्यूम है इसके कंपैरिजन में अधिक होगा। CaO या फिर MgO के कंपैरिजन में इनका वॉल्यूम अधिक होता है। तो अगर इनका वॉल्यूम अधिक है तो ये एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगा। इसलिए हमने देखा था कि जो आपका साउंडनेस है ये किनके ऊपर डिपेंड करता है, फ्री लाइम के ऊपर, फ्री मैग्नीशिया के ऊपर डिपेंड करता है, सल्फर के ऊपर कुछ हद तक साउंडनेस डिपेंड करता है। तो हमने एक पॉइंट आपको लिखवाया था रिलेटेड टू कैल्शियम सल्फेट, ये भी कहीं ना कहीं साउंड सीमेंट को अनसाउंड बनाने में मददगार होती है एक्चुअली कैसे, देखिए आपका कैल्शियम सल्फेट क्या है, CaSO4। तो ये जब अगर C3A से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फो एल्युमिनेट बना देगा। तो कैल्शियम सल्फो एल्युमिनेट आपको, जैसे कि सल्फेट अटैक में हमने डिस्कस किया था, तो कैल्शियम सल्फो एल्युमिनेट होती है, इसकी वॉल्यूम अधिक होती है। ठीक है, जिस कारण से सीमेंट आपका एक्सपैंड करेगा एंड वो डिटोरिएट कर जाएगा फाइनली, तो हो गया ना सीमेंट आपका अनसाउंड। इसलिए हमको कैल्शियम सल्फेट का, मैं कहने का मतलब जिप्सम का भी क्वांटिटी को प्रॉपरली मॉनिटर करना होगा, और जो परमिशिबल रेंज है जिप्सम की सीमेंट में जो होनी चाहिए, इट इज 2.5 to 3%। आप ध्यान रखिए कि इसके कंपोजिशन में इतना से अधिक जिप्सम की क्वांटिटी ना हो, नहीं तो सीमेंट आपका क्या हो जाएगा, अनसाउंड सीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट अगर ज्यादा है, जिप्सम अगर ज्यादा है, तो सीमेंट क्या होगा, अनसाउंड। लेकिन हाँ, ये एक प्रॉपर क्वांटिटी में तो सीमेंट पे साउंडनेस को इम्प्रूव करता है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी एक्सेस हो जाए तो ये अनसाउंड बना देगा सीमेंट को। ठीक है, जिप्सम का काम क्या है, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस करना, सॉरी उसको इंक्रीज करना, सीमेंट का सेटिंग टाइम को उसको इंक्रीज करना। ठीक है, मतलब सीमेंट लेट में सेट होगा, समझ में आ, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिंग जिप्सम इनटू सीमेंट। लेकिन CaSO4 आपका C3A से रिएक्ट कर सकता है, और ये सल्फो एल्युमिनेट बना देगा, कैल्शियम सल्फो एल्युमिनेट, which whose volume is very much more as compared to calcium sulfate, hence there will be expansion and finally the deterioration of the structure. ठीक है, hence this is the cause of the unsoundness, because this will reduce the durability, this will reduce the durability of the structure. समझ में आया? Okay. So तो साउंडनेस टेस्ट हमको करना है, तो हम ये ली चार्टलियर्स एपरेटस को यूज करके करते हैं। तो इस तरह का कुछ दिखता आपको ली चार्टलियर्स एपरेटस, सो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर। जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग के लिए हमने ये फोटोग्राफ्स लिया हुआ था। तो लिखिए साउंडनेस का डेफिनेशन, कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज द प्रॉपर्टी बाय विच वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यूज्ड इन स्ट्रक्चर चेंजेस आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, सो इफ द चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी लेस,
then cement is said to be sound. Its change in volume is excessive. Okay, and the resistance offered to is resistance offered to the change in volume is very low. Then cement is said to be unsound, because in unsound cement there will be development of cracks. ठीक है, तो इतने बातों को लिखिए. तो लिखिए, soundness of cement is the ability of a hardened paste to retain its volume after setting. A cement is said to be unsound, that is having lack of soundness, bracket close, if it is subjected to delayed destructive expansion. Unsound हम किसे कहेंगे? अगर उसमें जब सीमेंट पेस्ट आपका सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फिर जाके उसके वॉल्यूम में चेंज होती है, वो एक्सपैंड होता है, तो उसे हम अनसाउंड कहेंगे, वरना हम उसे क्या कहेंगे? साउंड. अनसाउंड सीमेंट एक्सपैंड टू मच ऑन सेटिंग एंड डेवलप्स क्रैक इन स्ट्रक्चर. जैसा कि मैंने आपको एक इमेज दिखाया था, ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाई गई है वो अनसाउंड सीमेंट को यूज करके बनाई गई है. मैक्सिमम मेजर सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस ऑफ सीमेंट. ऐसा कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिसके कारण सीमेंट में साउंडनेस हो सकता है? इट इज लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर. ठीक है, इनकी क्वांटिटी अगर एक्सेस होगी तो सीमेंट आपका अनसाउंड हो जाएगा. नेक्स्ट, लेबोरेटरी में हम साउंडनेस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? लेबोरेटरी हमारे पास दो तरह का टेस्ट है, एक है ली चार्टलियस टेस्ट, दूसरा है ऑटोक्लेव टेस्ट. इन दोनों को एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. अब वो डिफरेंस क्या है? तो देखिए, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में आप देखो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल लाइम स्टोन वगैरह यूज करते हैं. तो हमारा इंडिया में जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें जो रॉ मटेरियल उसमें लाइम सबसे अधिक होती है खास करके. इसलिए हम जो साउंडनेस है वो लाइम के कारण हमारे इंडिया में अधिक होती है सीमेंट में. ठीक है, तो हम बेसिकली जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो ली चार्टलियस टेस्ट को फॉलो करता है, क्योंकि हमारे सीमेंट में लाइम की क्वांटिटी अधिक होती है. तो इंडियन स्टैंडर्ड पे ये टेस्ट गाइडलाइन है, ली चार्टलियस टेस्ट. ऑटोक्लेव टेस्ट किसके लिए है? ऑटोक्लेव टेस्ट जो है ये लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए ये टेस्ट अप्लीकेबल है. ली चार्टलियस टेस्ट ओनली फॉर लाइम. ठीक है, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम के लिए ली चार्टलियस, ऑटोक्लेव लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए, मतलब ये सेंसिबल है, दोनों का दोनों के कारण जो अनसाउंडनेस है ये बताएगा. लेकिन एक चीज है कि मैग्नीशिया का कंटेंट अगर 3% से अधिक होना सीमेंट में, तभी उसके कारण आपका सीमेंट अनसाउंड हो सकता है. इसलिए आप केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट पे अच्छे से ध्यान दीजिए. उसमें अगर मैग्नीशिया का परसेंटेज 3% से अधिक हो तो हमारा अनसाउंडनेस हो सकता है मैग्नीशिया के कारण लाइम में. और भारत में, भारत के अंदर हमारे पास जनरली ऐसे रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें मैग्नीशिया की जो कंटेंट है वो लगभग 3% से कम ही होता है. मतलब इतना आपको ऐसा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा जिसमें मैग्नीशिया का कंटेंट 3% से अधिक हो. इसलिए ऑटोक्लेव टेस्ट का चलन या फिर इस्तेमाल अधिकतम भारत में नहीं होता है. यहाँ पे ली चार्टलियस टेस्ट होती है अधिकतम इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे जो सीमेंट है उसमें जो अनसाउंडनेस है वो लाइम के कारण होने की संभावनाएं उनकी अधिक है. समझ में आया कुछ? ओके, लेकिन हम दोनों टेस्ट को पढ़ेंगे, दोनों तरह से एग्जाम में पूछी जाती है. ये 3% की बात ध्यान रखिएगा. अभी और एक बात सुनिए. मान लीजिए आपके पास सीमेंट है, सीमेंट में आपने पानी मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा? सीमेंट पेस्ट. सीमेंट पेस्ट, बेसिक बातें हैं. मान लो सीमेंट पेस्ट में आपने फाइन एग्रीगेट मिला दिया, जैसे कि सैंड, तो आपका क्या बन जाएगा? मोर्टार. अभी मान लो मोर्टार में आपने कोर्स एग्रीगेट मिला दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कंक्रीट. ठीक है, लेकिन ये तीनों फॉर्म जो बन रही है आपकी, पेस्ट, मोर्टार या फिर कंक्रीट, इसमें जो बेसिक है वो है बाइंडिंग मटेरियल, बेसिक क्या है? सीमेंट. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो साउंडनेस या फिर अनसाउंडनेस पढ़ रहे हैं वो सीमेंट के कारण पढ़ रहे हैं.
कि सीमेंट के कंपोजिशन में क्या ऐसा चीज है जिसके कारण से वो जो कंक्रीट बनेगी उस सीमेंट की वो अनसाउंड हो जाएगी, फिर उसमें क्रैक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बाकी कोर सेग्रीगेट के कारण भी कुछ ना कुछ अनसाउंडनेस आती है कंक्रीट में, ये हम डिस्कस करेंगे जब कोर सेग्रीगेट के बारे में बताएंगे। मान लो कोर सेग्रीगेट आपका ऐसा है जो कि ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक है, तो आपने जब पानी डाला उसमें कंक्रीट बनाते वक्त तो वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उतना ज्यादा मॉइस्चर इवेपोरेट भी कर देगा, तो इवेपोरेट कर देगा तो उसमें खाली खोखलापन खालीपन आ जाएगा, तो उस कारण से क्रैक डेवलपमेंट हो सकता है ना, वो मतलब एक्सपेंशन होगी उसकी, श्रिंकेज होगी, तो इन सब कारण से क्रैक डेवलपमेंट हो सकता है, समझ रहा। तो कोर्स एग्रीगेट के कारण भी कंक्रीट आपका अनसाउंड होगा, तो हम यहाँ पे वो चीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केवल सीमेंट के कारण जो अनसाउंडनेस है उसके बारे में। तो उससे रिलेटेड जो टेस्ट है वो है ली चार्टलियस टेस्ट एंड ऑटोक्लेव टेस्ट, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ली चार्टलियस टेस्ट, इसके बारे में लिखिए, दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द साउंडनेस इन सीमेंट ओनली ड्यू टू लाइम, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। फिर लिखिए ऑटोक्लेव टेस्ट, इट इज यूज फॉर बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया, ये जो टेस्ट है ये टेस्ट, दिस टेस्ट इज सेंसिबल फॉर बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, फॉर मैग्नीशिया कंटेंट एक्सीडिंग 3% ऑटोक्लेव टेस्ट इज जनरली यूज। अगर आपके रॉ मटेरियल में मैग्नीशिया का कंटेंट 3% से अधिक है तो हम इस तरह के ऑटोक्लेव टेस्ट को कंडक्ट करेंगे टू फाइंड द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। नोट, एक नोट बनाइए, लिखिए कि देयर इज नो सुटेबल टेस्ट टू डिटरमाइन साउंडनेस ड्यू टू सल्फर, सल्फर के कारण जो साउंडनेस हो गई ना सीमेंट में वो पता लगाने का कोई भी टेस्ट उपलब्ध नहीं है। तो हम बेसिकली जो साउंडनेस हम पता लगाते हैं वो या फिर लाइम के लिए और लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए, लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए। इसके लिए ली चार्टलियस टेस्ट है, इसके लिए आपका क्या है ऑटोक्लेव टेस्ट, बच सकते मैग्नीशिया का जो कंटेंट है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 3%, ओके, सो इतना ध्यान रखना। अब चलिए हम ली चार्टलियस टेस्ट कैसे कंडक्ट की जाती है इसके बारे में मैं पहले डिस्कस करूंगा, अभी कुछ भी आप मत बनाना, कोई भी डायग्राम मत बनाना, कुछ भी नथिंग, हम पहले डिस्कस करेंगे फिर आपको प्रॉपरली एक नोट्स लिखवा देंगे, ठीक है, अभी से कुछ नहीं करने का। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, सीमेंट पेस्ट बनाया जाएगा, सबसे पहले हम लिखवाएंगे प्रॉपरली, जस्ट अभी समझा रहे हैं। तो जो सीमेंट पेस्ट बनेगा इसमें आप सीमेंट लोगे और क्या लोगे, वाटर लोगे, ठीक है, सीमेंट मान लो जितना भी सीमेंट लिया फिर इसमें हम वाटर मिक्स करेंगे, तो वाटर जो मिक्स करेंगे हम कितना वाटर मिक्स करेंगे, तो 0.78% ऑफ कंसिस्टेंसी, जितना आया था नॉर्मल कंसिस्टेंसी उतने का 0.78 टाइम्स बाय वेट ऑफ सीमेंट, जितना भी वेट ऑफ सीमेंट आपने कंसिडर किया उसका बाय वेट ऑफ सीमेंट, इतना वाटर हम मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे, सीमेंट पेस्ट। अब ये जो सीमेंट पेस्ट बन गया इसको ली चार्टलियस का जो एपरेटस है उसमें एक मोल्ड होता है, ओके, एक स्प्लिट सिलेंडर होती है, एक स्प्लिट सिलेंडर होती है, ली चार्टलियस एपरेटस को डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए, स्प्लिट सिलेंडर होती है, कैसा, एक इस तरह का सिलेंडर होता है, ठीक है, ब्रास की बनी होती है सिलेंडर, इसका जो मटेरियल होता है वो किसका होता है, ब्रास, ब्रास क्या है, एक तरह का एलॉय है, किसका, कॉपर एंड जिंक का, कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है ब्रास, इसका ये मटेरियल बना रहता है। अब स्प्लिट इसमें क्यों, क्योंकि इसमें एक ना एक स्प्लिट होती है, स्प्लिट मतलब बीच से ये सिलेंडर गैप होगा, इसमें टूटा हुआ होगा, ठीक है, किसी एक साइड पे एक स्प्लिट होगी, जैसे कि मान लो ऐसा इस तरह का, वेल स्प्लिट में आपको कैसे बताऊं, सामने से अगर देखेंगे तो इस तरह का एक गैप होगा, समझ रहे हैं। अब ये जो गैप की डायमेंशन इसी को हम स्प्लिट कहते हैं, तो इसलिए ये सिलेंडर स्प्लिट सिलेंडर के नाम से कहलाता है, इसका जो गैप का ये डायमेंशन है यदि नहीं 0.5 mm का स्प्लिट होगा, ठीक है। अभी देखिए आपको साउंडनेस चेक करना है, मतलब वॉल्यूम में एक्सपेंशन वगैरह चेक करना है, इसलिए वो स्प्लिट है उसमें, क्योंकि अब देखिए इसका मैं अगर प्लान बनाऊं आपको तो ये सिलेंडर का प्लान कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका सिलेंडर है
ठीक है। हाँ, ये सिलेंडर कैसी होती है, इसकी डायामीटर होती है 30 mm, ठीक है, इसकी डायामीटर 30 mm होती है, इसकी हाइट भी 30 mm होती है, इसका जो हाइट है ये भी 30 mm होता है इस सिलेंडर का। ओके, अभी जब इसका मैं प्लान अगर बनाऊं तो इस तरह का आपको, सॉरी जस्ट ए मिनट, ये सिलेंडर है, मान लो यहां पे एक गैप है 0.5 mm का, ठीक है, ये गैप है 0.5 mm का, इसी को हम स्प्लिट कहते हैं, स्प्लिट मतलब गैप। अभी इन स्प्लिट के बगल से ना इंडिकेटर आर्म्स लगे हुए रहते हैं, दो इंडिकेटर आर्म लगे हुए होंगे, इसको कहेंगे इंडिकेटर आर्म, इंडिकेटर आर्म। अब इन इंडिकेटर आर्म का एक प्रॉपर लेंथ होता है, वो लेंथ कितना होता है 165 mm, 165 mm की इंडिकेटर आर्म की लेंथ होती है। अब इस इंडिकेटर आर्म का काम क्या है, तो इस मोल्ड में ये जो स्प्लिट सिलेंडर है इसमें आप जब भर दोगे ना सीमेंट को, सीमेंट पेस्ट को, तो हमको साउंडनेस मेजर करना है, तो साउंडनेस मतलब सीमेंट पेस्ट एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा तो इन जो ये जो इंडिकेटर आर्म है इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इस गैप को ऑब्जर्व करेंगे, इस गैप का हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट को मेजर करने में हम क्या करते हैं, इंडिकेटर आर्म के बीच का जो स्पेस रहता है, गैप होता है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये गैप हम कब कब मेजर करते हैं, कब कब रिकॉर्ड करते हैं, तो देखिए पहला ऑब्जर्वेशन हम कब लेंगे, हम मोल्ड में मतलब स्प्लिट सिलेंडर में सीमेंट पेस्ट को डाल देंगे, फिर एक कंटेनर में उस मोल्ड को रख देंगे, लेकिन उस मोल्ड को कैसे रखेंगे, देखिए उस कंटेनर में आपका पानी होगा पूरा, ठीक है, पानी होगा, तो उस मोल्ड को हम कैसे रखेंगे, जो आपका स्प्लिट सिलेंडर है इसमें जो आपने सीमेंट पेस्ट को भरा है, ठीक है, इसमें आपने सीमेंट पेस्ट को जो भर दिया है, अभी क्या करोगे, नीचे एक ग्लास प्लेट से कवर करोगे, नीचे एक ग्लास प्लेट लगाएंगे, ऊपर एक ग्लास प्लेट लगा देंगे, फिर इस पूरे सिस्टम को इस वाटर में डुबो देंगे एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, पानी में डुबा दिया। ओके, नाउ अब 24 घंटे बाद यहां से बाहर निकाल लेंगे इसको, 24 आवर्स के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आई होगी। ओके, तो इंडिकेटर आर्म का ऑब्जर्वेशन ले लेंगे कि इंडिकेटर आर्म के बीच में कितना गैप है, तो उसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन वन, ऑब्जर्वेशन वन, ठीक है, वो एक्सपेंशन रिकॉर्ड कर लिया, कहने का मतलब है आफ्टर 24 आवर्स जब आप पानी से बाहर निकालोगे तो इंडिकेटर आर्म कुछ फैल गया होगा, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जो सीमेंट पेस्ट है वो कुछ एक्सपेंड की होगी, तो ये स्प्लिट सिलेंडर कुछ एक्सपेंड कर गया होगा, तो इंडिकेटर आर्म भी उसके साथ एक्सपेंड किया होगा, तो ये आप ऑब्जर्वेशन ले लोगे, इसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन वन, ऑब्जर्वेशन वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम तुरंत बाद ही जब ऑब्जर्वेशन वन ले लिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर से एक कंटेनर में डाल देंगे जिसमें वाटर ही होगा। अब लेकिन क्या करेंगे, हम इस वाटर को बॉइल करेंगे, इस वाटर को हम बॉइल करेंगे, इस वाटर को हम कुछ इस तरह से बॉइल करेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, पानी का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 से 30 मिनट में अटेंड हो, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 25 से 30 मिनट में पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो, उतना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे, इस रेट से कुछ उसको हीट करोगे उस वाटर को कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 से 30 मिनट बाद अटेंड हो, और इसके अंदर क्या है, ये ग्लास प्लेट, ये मोल्ड, ठीक है, फिर ये स्प्लिट सिलेंडर, इसके अंदर अपने लीचाटियस एपरेटस को रखा हुआ है, तो पानी को बॉइल किया और ये बॉइलिंग कितने घंटे तक कंटिन्यू करेंगे, हम इसको 3 आवर्स तक कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जब 3 घंटा हो जाएगा फिर इस सिस्टम को यहां से निकालेंगे बाहर, उसके बाद की क्या करेंगे, फिर से इंडिकेटर आर्म के बीच में जो गैप है उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन टू, ऑब्जर्वेशन टू। अब हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जर्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखिए अब जो गैप है और थोड़ा इंक्रीज हो चुकी होगी, तो ऑब्जर्वेशन टू माइनस ऑब्जर्वेशन वन जब हम करेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर गैप मिलेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन की वैल्यू मिलेगी, तो वो एक्सपेंशन ओपीसी के लिए अगर सीमेंट आपका साउंड है तो
वो जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm. दिस इज द टेस्ट. अगर इससे ज्यादा है तो सीमेंट अनसाउंड है, अगर इससे 10 mm के अंदर है तो सीमेंट आपका साउंड है. समझ में आया? दिस इज योर ली चार्टलियस टेस्ट. तो इसके बारे में पहले लिखेंगे. सो ये डायग्राम ये सब अभी मत बनाइएगा, हम जब लिखवाएंगे नोट्स उस पर आपको डायग्राम भी बना देंगे, ठीक है? तो आप वहां से डायरेक्ट लिख लेना. टेस्ट समझेगी नहीं, ये इंपॉर्टेंट थी. इसके बाद का जो टेस्ट है ऑटोक्लेव टेस्ट, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके प्रोसीड्यूर को लिखने के बाद. तो अब चलिए हेडिंग बनाइए, ली चार्टलियस टेस्ट, फिर उसका लिखिए हेडिंग बनाइए प्रोसीड्यूर. प्रोसीड्यूर. सो टाइम के सेविंग के लिए हम पहले प्रोसीड्यूर लिख देते हैं फिर डिक्टेट कर देंगे. ओके तो लिखिए ली चार्टलियस टेस्ट. दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट साउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू लाइंग ओनली apparatus. Lee Chartier's apparatus consists of a 30 mm dia split cylinder of height 30 mm and having split of 0.5 mm. Two number of indicator arm of 165 mm length is attached on the opposite side of the split, which indicates the expansion in the specimen after the test has been completed. The cylinder material is made up of brass, which is an alloy of zinc and copper. Procedure. The cement sample is taken and cement paste is prepared by adding 0.78 p%. इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 0.78 p%. ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपसे डायरेक्ट इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं. पी परसेंट ऑफ वाटर बाई वेट. अच्छा, और इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम में 0.85 p%. ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर. ओके तो ऑफ वाटर बाय वेट टू इट एंड इज फिल्ड इन ली चार्टलियस स्प्लिट सिलेंडर मोल्ड एंड द मोल्ड इज कवर्ड विद द टू ग्लास प्लेट एज शोन इन फिगर बिलो. इस डायग्राम को बनाइए. ये आपका ली चार्टलियस मोल्ड हो गया, यहाँ पे बीच में सीमेंट होगा. सो यहाँ पे ऊपर ग्लास प्लेट से कवर किया आपने, बॉटम में ग्लास प्लेट से कवर किया. मोल्ड का जो डायमेंशन है 30 mm इसका डायमीटर है एंड 30 mm इसका हाइट भी है, ठीक है? और 165 mm लेंथ की इंडिकेटर आर्म इसमें लगा हुआ रहता है. द मोल्ड इज देन सबमर्ज्ड इनटू वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड आफ्टर 24 आवर्स इट इज टेकन आउट एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेपरेटिंग इंडिकेटर आर्म इज रिकॉर्डेड एज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट रीडिंग. ओके नेक्स्ट पॉइंट. The mold is again submerged into water and heated in such a way that boiling point of water is attained in 25 to 30 minutes and the boiling process is continued for next 3 hours. Once again, the mold is lifted out of water and the distance between separating indicator arm is noted down as second observation. The difference between these two observations indicate the soundness of cement. For OPC, the difference in reading should not be means greater than 10 mm. ठीक है, so आप इसको लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए. So ये वैल्यू याद रखिएगा, should not be greater than 10 mm. Okay, so remember this value. ऑटोक्लेव टेस्ट के बारे में लिखिए. इन इंडिया द ऑक्युरेंस ऑफ लो मैग्नीशिया लाइमस्टोन इज लिमिटेड, सो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रिकमेंड दैट द सीमेंट हैविंग ए मैग्नीशिया कंटेंट ऑफ ग्रेटर देन 3% बी टेस्टेड फॉर साउंडनेस बाय ऑटोक्लेव टेस्ट. दिस टेस्ट इज सेंसिटिव फॉर बोथ फ्री लाइम एंड फ्री मैग्नीशिया. ठीक है, तो इधर लिखिए बस. अभी ऑटोक्लेव टेस्ट के बारे में इसका प्रोसीड्यूर वगैरह जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपको स्टेटमेंट में हमने लिखवा दिया कि इंडिया में ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें लाइम की कंटेंट अधिक हो वो लिमिटेड है. ठीक है, उसकी अधिकतम मात्रा पाई नहीं जाती है, इसलिए इस टेस्ट को हम इसका प्रोसीड्यूर लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये पूछी नहीं जाती एग्जाम में, रेगुलर नहीं है. रेगुलर आपको क्या है, साउंडनेस बाय ली चार्टलियस एपरेटस, इतना लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा. ठीक है, और इनके बारे में केवल नोट बना के लिख दीजिए कि अगर मैग्नीशिया पाया जाए तो ऑटोक्लेव टेस्ट करना चाहिए. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव पर्पज से ध्यान रखिएगा, ऑटोक्लेव टेस्ट से जो रिजल्ट निकलती है, ओके, सो इसमें भी वॉल्यूम एक्सपेंशन हम मेजर करते हैं,
ओके, वी मेजर द वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एंड ये जो एक्सपेंशन है ना शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%. इफ द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0.8%, देन सीमेंट विल बी अनसाउंड. Okay, and if the expansion in volume is limited within this range, that is 0.8%, then cement will be sound. ठीक है, तो ये 0.8% की वैल्यू आप याद रखना. अभी तो हमने ऑटोक्लेव टेस्ट कर लिया, साउंडनेस का टेस्ट आप कंप्लीट हो गया. अभी आप ली चार्ट लियर्स टेस्ट से जो रिजल्ट निकला वो 10 mm वाला, उसे आप ध्यान में रखना. और इसका किसका मतलब ऑटोक्लेव टेस्ट से 0.8% वाली बात आप ध्यान में रखना. अभी ली चार्ट लियर्स टेस्ट से, अभी फॉर एग्जांपल और कुछ कुछ सीमेंट होते हैं जैसे कि हाई एलुमिना सीमेंट, ओके, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट, ली चार्ट लियर्स टेस्ट की मदद से इसके लिए टेस्ट जब करेंगे ना तो इसमें जो गैप है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 mm, ओके, फॉर HSC एंड SSC. ठीक है, ओके, तो ये भी एक तरह की सीमेंट है, हाई एलुमिना सीमेंट एंड सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ऐसे कह सकते हो. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट. नाउ द नेक्स्ट टेस्ट विल बी स्ट्रेंथ टेस्ट. अब स्ट्रेंथ टेस्ट में हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्टिंग सी बात है, सुनने लायक है. हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको स्ट्रेंथ टेस्ट मिलेगी. सो ये वीडियो भी प्रोबेबली आपको नाइट 10-12 बजे तक अपलोड हो जाएगी, ये वीडियो आपको मिल जाएगी. उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड टाइप्स ऑफ सीमेंट करेंगे, सीमेंट खत्म हो जाएगा, फिर कॉन्क्रीट शुरू करेंगे. और कॉन्क्रीट से जो स्टूडेंट अभी तक प्राइवेट वीडियो में एनरोल नहीं किए हैं तो उनको वो वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे कॉन्क्रीट वगैरह के. आगे इससे मतलब सीमेंट के बाद के जो चैप्टर्स होंगे वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. सो अगर आपको एनरोल करनी है आप एनरोल कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एनरोलमेंट फीस 699 ओनली. थैंक यू वेरी मच.